नमस्कार, मैं हूं रिंकू सुमनिया। स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 13 से 15 अगस्त तक तैयारियां मुकम्मल। हिंदुस्तानी फौज ने अलाका द्रबशाला में शहद की मक्खियों के पालने के लिए प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तहसील कास्तीगढ़ में नाग पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और पीडीपी के कारकुनान ने खड़ी में एक रोजा कन्वेंशन का किया इनेकाद। पेश है खबरें तफसील के साथ। जिला डोडा में आजादी के 75वें साल के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारियां बड़े जोरों पर हैं। हर घर तिरंगा की तैयारियां 13 अगस्त से शुरू होंगी और 15 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगी। इस तैयारियों के चलते बीजेपी के जिला सदर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 75वें साल की मुहिम आजादी पे महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से एक भारत सरकार ने तय किया हुआ है कि हर घर में तिरंगा लगे, हर घर में खुशहाली दिखे। उसके लिए हमने भी प्रयास किया, अपने लोगों से भी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता से भी बोला हुआ है कि आप पूरे पंचायत लेवल तक इस झंडे को लहराएं और घर घर जाके लोगों को समझाएं कि ये झंडा हमारे घरों में लगा रहना चाहिए और इसकी हिफाजत भी हमको करनी चाहिए। पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लोगों ने ऐसे ही ये तिरंगा लगाना शुरू कर दिया कि पहली बार लोगों को ऐसा एक माहौल देखने को मिल रहा है कि एक हिंदुस्तान की आन शान बान जो एक तिरंगे के ऊपर होती है वो देखने को मिल रही है और उसी खुशी में लोग ऐसे ही तिरंगा लगाना शुरू कर रहे हैं। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पे बोल के रखा है कि आप पंचायत लेवल तक पहुँचे, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, कोई घर खाली ना रहे कि जिस घर में तिरंगा ना लगा रहे। इसमें कोई शक नहीं, जो आपके सवाल है ये बिल्कुल सही है और हमने उसके बाद हम भी अपने लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ये नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और खास करके सरकारी ऑफिस में और जहाँ लगा नहीं है वहाँ भी लगना चाहिए। और मैं उस सरकारी अफसर के, जिला का जो अफसर है, उससे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने ऑफिस में इसकी थोड़ी छानबीन कीजिए और इस झंडे की थोड़ी देखभाल कीजिए। जहां भी ऐसी उल्लंघन हो रही है वो उस पर एक स्पेशल एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाए, जाके जो खाली उस झंडे को देखता रहे कि इस झंडे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, झंडा ठीक से लगा हुआ है या उतर गया है, उसको देखभाल करने के लिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। और कभी भी ऐसा हमें देखने को ना आए कि खास करके सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, कोई भी सरकारी बिल्डिंग है उसमें ऐसा देखने को न मिला जहां पे कहीं तिरंगे की कुछ गलत तरीके से वहां पे झंडा लगा हो, वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमने डीसी साहब से भी निवेदन किया हुआ है कि आप भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करवाएं कि कोई भी ऑफिस ऐसा ना छूटे जिस पे तिरंगा ना लगे। जिला डोडा की तहसील काश्तीगढ़ में आज नाग पंचमी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। नाग पंचमी के मौके पर तहसील काश्तीगढ़ के बेरी नाग देव में भी हवन का इनेकाद किया गया। नाग पंचमी के इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने मंदिर में शिरकत की। तो देखिए काश्तीगढ़ से हरदेव मनास की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिंदुस्तानी फौज की तरफ से शहद की मक्खियों के पालने के लिए प्रोजेक्ट का जिला किश्तवाड़ के इलाका द्रबशाला में इफ्तिताह किया गया। नोवल ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें द्रबशाला के दूरदराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 10 मुकामी लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया गया है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। अब है इसमें फ्रेम निकालो, जरा एक घूमना था आराम से निकालो, ठीक है। तो हाइट जो आपके हाथ में था वहाँ पे, जैसे आपने ये यहाँ पे रखा हुआ है तो अब इससे ऐसे निकाल के ये छता एक मगनी, अभी तो ये छता टूटा पड़ा है। कि इस दिन हमें आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा
मुकाम प्राप्त हो रहा है, जो कि ज्यादातर बेरोजगार लोगों को सहारा देने का एक योजना है। और आर्मी के क्राइसिस हार होगा, इनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से। बीकीपिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज ये एक शुभ अवसर है, जो कि आर्मी की तरफ से बच्चों को एक मौका दिया जा रहा है बीकीपिंग को सीखने का, मधुमक्खी पालन के बारे में, जो कि सारा इसमें खर्चा जो है आर्मी उठा रही है, और बच्चों को इस मुकाम को कामयाब करने के लिए ये सारा कुछ देना चाहते हैं, जिसमें कि जीते वो बात नहीं है, एक छोटे से लेके बड़े काम तक इसमें हर कोई भाग ले सकता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो इंसान की सोच पर डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है। जब हमने स्टार्ट किया था इस काम को, तो हमारे पास भी ऐसा कोई अवसर नहीं था जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते थे, और आज इन सौभाग्यशाली बच्चों को ऐसा मौका मिला है कि आर्मी अपना पेट काट के, जैसे कि ट्वाइस साहब ने बताया कि अपना पेट काट के हम इन बच्चों को कुछ रोज़गार देना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ बेनिफिशरीज आए हुए हैं, उनका ये सौभाग्यशाली है, और आर्मी की तरफ से ये बेनिफिट लें हो। और एक बीकीपिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा माध्यम है इनकम का, ऐसा कमाने का ज़रिया है, जिसमें कि आप हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक कमा सकते हैं। और उसमें जितना आप इंटरेस्ट दोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आपकी कोशिश होगी, जितनी आपकी लगन होगी, उतना आप इसको आगे लेके जा सकते हो। और एक ऐसा काम है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, और कोई ऐसे बंधक वाला काम भी नहीं है कि आपको भाई ऑन ड्यूटी ही रहना है तो रहना है, नहीं तो ये लॉस हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा टाइम भी दे दोगे आप इसमें, तो इस काम को बहुत दूर तक ले जा सकते हो। और इस काम में आपको मिनिमम खर्चा करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर 2-5 बेटी भी आपके पास मधुमक्खी की है, तो उसी को लेके किसी के साथ अटैच रह सकते हैं आप, या आप किसानी खेती करते हैं वहाँ रख सकते हो। वहाँ रखने के बाद इसको धीरे 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 इसकी 12 महीने पैदावार है बढ़ती रहेगी, यहीं से पेटी वहीं से आपका कारोबार भी बढ़ता रहेगा, आपके घर का काम भी चलता रहेगा, आपके खेती का भी चलता रहेगा, और मधुमक्खी की खेती का काम भी चल सकता है। और जब आपके पास बहुत सारे बॉक्स हो जाएंगे, 100-150 हो जाएंगे, फिर आप उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट करके भी ले जा सकते हैं। माइग्रेंट लेके वहाँ आप किसी भाई पार्टनर के साथ रह के इस काम को और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके परिवार का एक इनकम सोर्स बहुत अच्छा बन सकता है। धन्यवाद। ये हमें अच्छा लगा है कि हमें बहुत खुशी हुई है कि जो आपने हमें ये सीखने के लिए हमें मौका दिया है, तो हम बहुत आपका शुक्रिया करते हैं, और हमें सीखने के लिए आपने यहाँ बुलाया है, हमें बहुत खुशी हुई। आपने बोला था के लिए हम टीका ये सीखने के लिए सीख रहे हैं हम, ऐसे भी हमें जानकारी है, कुछ डिशों का बहुत जानकारी है हमें, मगर इसकी नहीं थी। अब सुनील जी से सीख लेंगे हम ये क्या है, इसके लिए हमारा थोड़ा कारोबार भी बढ़ जाएगा, सारा पेटियाँ बढ़ाने सड़ाने सीखेंगे हम सारा कुछ, कैसे क्या होगा। आर्मी का दे रहे हैं हमें ये आर्मी की स्कीम है, इसी के साथ देख लेंगे हम कैसे क्या होगा। सब जिला बानियाल की तहसील खड़ी में आज पीडीपी पार्टी के कारकुनान ने एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस कन्वेंशन का इनेकाद रियासती जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान और बानियाल गुल असेंबली हलका से इंतखाबी उम्मीदवारों की निगरानी में किया गया, जिसमें दर्जनों अफराद ने आज पीडीपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो देखिए बानियाल से मेहरान वानी की ये खास रिपोर्ट। लेकिन मेरा अपना बोलना ये है कि जब भी मैं सियासत के मैदान में आया, तो मैंने कभी उन लोगों की तरह नहीं कहा कि ये लोग मेरे साथ हैं। मेरी हमेशा यही आवाज आ रही है कि मैं हमेशा लोगों के साथ हूँ, करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि जब हमने एंट्री मारी थी तो
दो या चार या पांच या दस लोग थे, आज दूसरी एंट्री मारी तो वो गुजरी में डायलॉग है कि जीत तोड़ी नजर मेरी उतोड़ो सारो में रहो। ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ यहां मुझे दिखने को मिल रही है। इसके साथ कौन क्या कहता है उसकी कोई परेशानी नहीं। अपोजिशन वाले थोड़ी कहेंगे भाई आप लोग मजबूत हो, क्या वो कभी कहेंगे आपको? अभी आपकी खड़ी की सरजमीन में जब हम चल रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा भाई कहां जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं। और मुझे बताओ जब उसकी आंखों में चरण साहब ने कहा कि मैंने परसों रिजाइन किया था, मैं खड़ी के नौजवानों इंसान बढ़ाते हुए यहां पर आए हैं। मैं यहां पर किसी साथी ने कहा था कि पीडीपी की यहां पर काफी ग्रिप मजबूत है, लेकिन लीडर की नामंजूर की वजह से हमारे जो दिल के अरमान रह जाते हैं। मैं कहता हूं बच्चा समाज तो जम सकती है, हर किश्ती हर तूफान गुजर सकती है, मायूस ना हो इस जिंदगी में, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मेरे भाई अतम अहमद साहब ने कहा कि लोग हमें ताने देते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरान है इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। कई हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत मजबूत है, लेकिन दिशा दिखाने के लिए हमें कोई होना चाहिए जो हमें दिशा दिखाए। अगर हकीकत सियासत करने के लिए, मतलब मैं हर जगह ये कह रहा हूँ, अगर हम वाकई सियासत करने निकले हैं, लोग कहते हैं कि सियासत बेईमानी है, मैं कहता हूँ सियासत बेईमानी नहीं है, सियासत सबसे बड़ा बड़ी इबादत है अगर कोई सही ढंग से इसको करे। आप ये नहीं करोगे, मैं जब भी बात करता हूँ कहीं ना कहीं मैं दिल से बात करता हूँ, मुझे झूठ फ्रॉड और ये चीजें करना आता नहीं है। कुछ लोग प्रफुल्लता करते हैं, इम्तियाज शाह बड़ा सादा आदमी है, मैं तो शुक्र है अल्लाह का कि सादा बोलते हैं, ये भी बोलते की जो है ये बहुत बड़े फखर की बात है मेरे लिए। ये तो अपना सोच साथ बोले, मुझे शुक्र करें कि मुझे सोच साथ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे जमीन नहीं बोलते हैं, मुझे चोर नहीं बोलते हैं, मैं सादा ठीक हूँ अपने सादा लोगों के साथ इंशाल्लाह। मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा था, मैं जब कल निकला घर से, आप ये पूरा परिवार है हमारा जिसके सामने ये मेरा घर है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बुजुर्ग है, कोई मेरा दोस्त है, ठीक है ना। ये हमारा ये जो एक पार्टी होती है, ये एक घर की फैमिली होती है। तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया। जैसे कि आज आपने देखा होगा, आज हमारी पार्टी का यहाँ कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन यहाँ पे था, और बड़े कम शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे इतने सारे हमारे वर्कर हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो पार्टी के प्रोग्राम्स के बारे में और आने वाले वक्त में पार्टी को क्या करना है, क्या प्रोग्राम है हमारा, उस बारे में बात हुई। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि भाई हमारी पार्टी जो है इस वक्त दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है, और लोगों की तवक्कात जो है हमारी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और लोगों के इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला करे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मूल बानिहाल से अपना यहाँ पे उम्मीदवार को जिताए, और आने वाले वक्त में यहाँ के जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किल हैं, उनका कहीं ना कहीं खात्मा हो। तो गिनने की बात ही नहीं रही, मतलब मैं भी एक घंटे से ज्वाइनिंग में ही लगा हूँ कि ज्वाइन कराने में लगा हूँ, मुझे लगता है कि सैकड़ों ज्वाइनिंगें हुई, और काफ़ी मौजूद हजरात यहाँ पे आए, कुछ सरपंच हजरात थे, कुछ पंच हजरात थे, कुछ यहाँ के मौजूद शहरी हजरात थे। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस इलाके के लिए ये बेहतर से बेहतर साबित होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो हमारा इलाका भी पसमंदा इलाका है, गूल आप लोग भी जानते हैं, और यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे लोग जानते हैं, वो भी एक पहाड़ी एरिया है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और मैंने बिल्कुल सेम ही यहाँ पे भी पाया कि यहाँ पे भी इस इलाके में मुश्किलात हैं, किसी को पानी की मुश्किलात है, किसी को रोड की मुश्किलात है, स्कूलों की मुश्किलात है, अस्पतालों की मुश्किलात हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ नाम की डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे तो सिर्फ मतलब दिखलावा ही है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने को नहीं मिला। सियासी इग्नोर किया गया हमारे इलाकों को, खास करके
टोन में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि टोन में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं लोगों को, लेकिन हो सकता है कुछ छोटी मोटी फैसिलिटी हो, लेकिन जितने भी यहाँ पे सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो मुझे डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं। इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पिछली बार भी बहुत अच्छा मतलब किया है, खड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ वोट मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार उससे डबल होने वाला है। और आने वाले वक्त में मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हम इनकी उम्मीदों पे खरा उतरें, जिन लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं। लोग तो जोड़ना आसान है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत बड़ी मुश्किल है। उम्मीद है इंशाल्लाह अपने आप पे और अपनी टीम पे हम खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चनाब टीवी के साथ। नमस्कार।